नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ। कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, कई जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई हैं। तो वहीं इसके अलावा देश भर में 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के एक और हिस्से की शुरुआत जनकपुरी पश्चिम से कालकाजी मंदिर तक होने जा रही है। दरअसल आज उसका उद्घाटन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस लाइन के खुलने से नोएडा से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए 30 मिनट के समय में कमी आएगी। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दांव पैच लगा रही है। तो वहीं मायावती का एक बयान सामने आया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा है कि वो उत्तर प्रदेश समेत देश के बाकी राज्यों की राजनीतिक पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत कर रही हैं। लेकिन मायावती ने कहा है कि गठबंधन तभी होगा जब सीटों का समझौता सम्मानजनक होगा। आईपीएल सीजन 11 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने कल अपने नाम कर लिया। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, जहां चेन्नई ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल सीजन 11 अपने नाम कर लिया। और अब बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल उनकी वाइफ से उनके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, और जिसके चलते अर्जुन ने अपनी वाइफ मेहर जैसिया से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।